हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए क्लास नाइन्थ, हमने अब तक जो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, जिसके अंदर हम रूल्स पढ़े थे, ए एस ए का रूल, एस ए एस का रूल, एस 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 का रूल, ठीक है, और आर एच एस का रूल, ठीक है। तो कुछ हमने इसमें कॉन्ग्रेंट रूल पढ़े, और फिर जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट बन जाते थे तो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को सिमिलर मान लेते थे, ठीक है, कि हम ऐसे कहते थे कि जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, जैसे मान लो ये एबीसी है और ये ट्रायंगल पीक्यूआर है हमारे पास, तो इस दोनों ट्रायंगल में अगर एएसए रूल बनाए, यानी कि एंगल्स और दो एंगल के बीच की एक साइड, एंगल साइड एंगल, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, और उसके बीच की साइड यानी कि ए बी बराबर है पी क्यू के, ठीक है, ए बराबर है पी क्यू के, तो हम कहते थे कि दोनों ट्राइंगल, ठीक है, एंगल ए बराबर है किसके एंगल पी के, और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, देन ए और ए बी बराबर किसके है पी क्यू के, तो दो एंगल उसके बीच की एक साइड अगर बराबर है तो ए एस ए रूल से दोनों ट्राइंगल कैसे होते थे कॉन्ग्रेंट। सेम ऐसे ही साइड एंगल साइड से आपको जो है ट्राइंगल दोनों जिसमें दो साइड होती थी और बीच का कोई एंगल होता था, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि बी सी जो साइड है वो बराबर है किसके क्यू आर के, ए बी बराबर है किसके पी क्यू के, तो हमारे पास एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, तो ऐसे ऐसे हम उसको कर लेते थे। आर एच एस जो होता था वो कॉन्ग्रेंट होता था लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। तो हमने अब तक दो ट्राइंगल्स के बीच में इक्वलिटी की बात पढ़ी है, साइड इक्वल, एंगल इक्वल, ठीक है, बट हमने जो यहां पर अब पढ़ना है वो पढ़ना है हमें इनइक्वलिटीज। ऐसा थोड़ा ना है कि हर बार हर चीज इक्वल ही है, इक्वल के अलावा अनइक्वल तो सकती है, ठीक है, जैसे एक ये साइड है ये दूसरी साइड है, ठीक है, ये मान लो ए बी साइड है ये पी क्यू साइड है, अब बताओ ए बी जो साइड है वो बड़ी है पी क्यू से, ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, बताइए है या नहीं, है ना। और ऐसे ही एंगल भी बड़े छोटे हो सकते हैं, जैसे हम कहें कि ये एंगल है हमारे पास और एक एंगल हमारे पास ये है, ठीक है, ये मान लेते हैं ए बी सी है, क्लियर, और ये मान लेते हैं पी क्यू आर है, तो एंगल जो बी है वो बड़ा होगा एंगल क्यू के, होगा, ये बात आपको साफ साफ दिख रही है कि दो एंगल बराबर होने के अलावा इनइक्वल तो हो सकते हैं। जब अनइक्वल एंगल्स हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है, कैसे हम उसको पढ़ते हैं, वो चीज़ हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। तो देखिए एक हम डायग्राम बनाते हैं आपके सामने, एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ये है ए, ये बी और ये सी, मैंने यहाँ पर जो ए सी लाइन है इसको और आगे बढ़ाया, ठीक है, मैं ए को थोड़ा ध्यान लिख रहा हूँ, ए सी लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाया, ठीक है, तो बी भी तो आगे जाके मिलेगा उससे, ठीक है, मैंने उसको और थोड़ा आगे बढ़ाया तो बी उसको और आगे से मिलेगा, ठीक है, मान लेते हैं ये ए डैश है, ये ए डबल डैश है। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि ए सी, ए सी जो साइड है वो छोटी है ए सी ए डैश सी से, और उससे छोटी कौन, मानी उससे बड़ी कौन है ए डबल डैश सी, बताओ ऐसा है या नहीं है, भाई ए सी साइड ली वो छोटी थी, उससे बड़ी साइड ली ए डैश सी, उससे बड़ी साइड ली ए डबल डैश सी ली हमने, जब साइड बढ़ती गई एक तो उसके साथ साथ जो बी है जिससे कनेक्ट कर रहा है वो लाइन भी आपके पास बदलती गई, चेंज होती गई, पहले यहां से कनेक्ट हो रहा था, फिर यहां से कनेक्ट हुआ, फिर आगे यहां से कनेक्ट हुआ, तो इसके अंदर जो एंगल है किस कौन सा एंगल, ये एंगल जो बी है ए बी सी जो एंगल यहां बन रहा है ये एंगल भी चेंज होता गया,
ठीक है, ये एंगल भी बढ़ता गया, बढ़ता ही जाएगा, आगे बढ़ाओगे तो और भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, रुकेगा नहीं। तो इसका मतलब आपने एक साइड बढ़ाई है तो उसके सामने वाला एंगल भी बढ़ रहा है, राइट। अगर एक साइड आप बढ़ा रहे हो उसके सामने वाला एंगल भी बढ़ रहा है, तो यही तो एक खासियत हो गई, यही एक आपस में रिलेशन हुआ कि जो साइड, आप देखो मान लेते हैं स्टार्टिंग में ए बी सी जो तीनों साइड थी बॉल मान लो बराबर थी, लेकिन यहां पर मैंने एक साइड को बढ़ा दिया तो बाकी साइड तो उससे छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब जो ए डैश बी या ए डबल डैश बी जो साइड है, भले ही वो इस वाले के बराबर हो या ना हो, मतलब कि ए डैश बी जो साइड है वो ए डैश सी के बराबर हो या ना हो, इससे को पर डिपेंड नहीं कर रहे हम, इससे हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि ए डैश सी जो है वो बी सी सी के बराबर तो होगी नहीं, ये बात तो फिक्स आपको पता चल ही रही है, ठीक है। और इसके बराबर ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये स्केलेन ट्रायंगल हो गया जिसके तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होती, ठीक है। तब हम इसको क्या कहते हैं कि ये ट्रायंगल ऐसा है जिसमें तीनों साइड आपस में बराबर नहीं है, क्लियर। तो हमारे पास इस तरह से जो टर्म बनी उसमें हमने देखा कि साइड जो बड़ी है उसके सामने वाला जो तो एंगल है वो भी बड़ा है, वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो बड़ी साइड, इसमें हमें बात पता चलती है कि बड़ी साइड यानी कि ग्रेटर ग्रेटर साइड, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है अदर एंगल से, ठीक है। अगर दो एंगल्स यहाँ पर बराबर हैं, मान लेते हैं ये हम कहें आपसे, हमें ये पढ़ा भी था प्रॉपर्टी, हम कहते हैं थ्योरम कि ए बी बराबर अगर ए सी के है तो उसके अपोजिट जो एंगल बी है और एंगल सी आपस में बराबर होंगे, ये बात तो हम पढ़ भी चुके हैं, थ्योरम ने प्रूफ करी है ना, तो वही चीज हम कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां से कहूं कि ए बी जो साइड है वो बड़ी है ए सी साइड से, ये साइड बड़ी है ए सी से, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर दूं, ठीक है, तो अगर ए सी साइड ऐसे ले लेते हैं, ए सी थोड़ा और ले लो बड़ा और इसको ऐसे कर लो, जैसे भी लगा लो आप, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ए बी जो है वो बड़ा है ए सी से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब ए बी बड़ा है ए सी से तो इसके सामने वाला एंगल ही बड़ा होगा, एंगल सी बड़ा होगा एंगल बी से, अब बराबर नहीं रहेगा ये, ठीक है। एंगल जो सी है वो बड़ा हो जाएगा एंगल बी से, तो यही चीज हमको यहाँ पे प्रूफ करनी है या हमें समझनी है, तो इसी पर बेस हम यहाँ पर थ्योरम्स पढ़ेंगे, ये चीज हमको देखनी है। तो क्या कहता है थ्योरम, क्या कहती है हमारे को, खाली स्टेटमेंट ही लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि तो प्रूफ करने के लिए ऐसा कोई नीड नहीं है, हमको क्वेश्चन ही कर लेंगे इसलिए। तो थ्योरम कहती है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, आर अनइक्वल, दी एंगल अपोजिट टू दी लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर, ठीक है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, ठीक है, अगर दो साइड है एक ट्राइंगल की और अनइक्वल है, द एंगल अपोजिट, जो अपोजिट एंगल है टू द लार्जर साइड, लार्जर साइड वाले, ठीक है, ये लार्जर साइड है हमारे पास, ये आप देख सकते हो, तो लार्जर साइड है उसके सामने वाला जो एंगल है वो बड़ा होगा, ठीक है, बाकी एंगल से। तो यहां पर एंगल जो बी है वो बड़ा है किससे, बताओ, एंगल ए से, तो ये साइड छोटी है, ठीक है, तो एंगल बी बड़ा होगा कि ये साइड बड़ी है क्योंकि ए सी बड़ा है बी सी से, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज हम यहां पर आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है, वैसे हो जाएगा बड़ा, जैसे मान लो हम यहां पर
ए सी बड़ा है बीसी से। अब मान लेते हैं कि ये ए बी जो साइड है तीसरी साइड, अगर ये छोटी है, मान लो तीसरी साइड जो है ए बी वो भी अगर छोटी है किससे, ए सी से, ए सी तब उससे ही बड़ा है। हम कह सकते हैं कि ए सी बड़ा है बी सी से, हम कहें कि बी सी बड़ा है, बी सी तो बड़ा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ ए बी, यहाँ देखता हूँ बी सी, अब ठीक रहेगा। ठीक है, ए बी बड़ा है ए सी से, सॉरी ए सी बड़ा है ए बी से और ए बी बड़ा है बी सी से, अगर ऐसा होता है तो उस हिसाब से एंगल हो जाएंगे। ए सी के सामने वाली एंगल कौन सा है, बी, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, एंगल बी। उसके बाद कौन आता है, ए बी, तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, सी, तो उससे बड़ा हो जाएगा, मतलब उसके बाद हो जाएगा एंगल सी, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, एंगल ए। उसी क्रम में आपके पास बाकी एंगल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, जैसे जैसे साइड का क्रम होगा, ऑर्डर होगा, वैसे वैसे उनके सामने वाले एंगल्स का ऑर्डर होगा, और सेम इसका उल्टा, जैसे जैसे एंगल्स का क्रम होगा वैसे वैसे उनके सामने वाली साइड का क्रम हो जाएगा। भाई जो एंगल जिससे बड़ा है उसके सामने वाली साइड भी उससे उतने हिसाब से बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि बड़ी साइड उसके सामने वाला एंगल बड़ा, उससे छोटी साइड उसके सामने वाला एंगल उससे छोटा, और सबसे छोटी साइड कौन सी है, बीसी, सामने वाला एंगल सबसे छोटा है ना, बीसी सबसे छोटी साइड है, तो सामने एंगल कौन सा आ रहा है, ए, वो भी सबसे छोटा है, राइट। तो यहां पर जो थ्योरम है अगली, जो इसका स्टेटमेंट है वो इसी का उल्टा है कि इन एनी ट्राइंगल दी साइड अपोजिट टू द लार्जर, टू दी लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, लार्जर या ग्रेटर आप कुछ भी ले सकते हो, कि इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के अंदर द साइड अपोजिट टू द लार्जर, जो साइड है अपोजिट लार्जर के अपोजिट एंगल से की जो है वो बड़ी होगी हमेशा। ठीक है, अब हमारे पास एक नई थ्योरम आती है और अच्छा है वो रूल हमारे सामने। ठीक है, हम समझ लेते हैं, ये नया रूल है, ये नया रूल क्या है, हम कह सकते हैं कि जो टर्म है वो इस हिसाब से चलती है कि ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये तो कौन सा हो गया, ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ये चार, मतलब कि आपके पास सामने जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें हम कहते हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, किन्हीं भी दो साइड का अगर हम सम करें, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की दो साइड का अगर हम सम करें तो वो बड़ी होगी तीसरी साइड से, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये बात आपको याद रखनी है कि जैसे मैं आपसे कहूं, मान लो ट्राइंगल है मेरे सामने, ट्राइंगल ए डी सी है, मैं इसमें कोई सी दो साइड ले लूं, मैं ले लेता हूं यहां पर ए डी, और मैं कह रहा हूं कि ए सी, इन दोनों में सम करना चाहता हूं, तो ये हमेशा बड़ी होगी किससे, डी सी से। ठीक है, ऐसा नहीं है, अगर डी सी बड़ी हो जाती है दो साइड के सम से तो उसका मतलब फिर ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ये ट्राइंगल नहीं सकता, ये बात फिर गलत हो जाएगी, मतलब ये थ्योरम जो है वो प्रूव्ड है, तो इसका मतलब आप इससे उल्टा नहीं जा सकते। ठीक है, आप इससे उल्टा नहीं जा सकते कि यहां पर ये फिक्स बात है कि दो साइड, एनी टू साइड्स अगर आप लेते हो, सम करते हो उसका, तो तीसरी साइड से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, लेकिन वो तीनों साइड किसी ट्राइंगल की होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ऐसा नहीं होता है तो वो ट्राइंगल ही नहीं है। ठीक है, जैसे हम यहां पर ट्रायंगल की बात करें बी डी सी की, तो अगर बी डी सी ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
सोचिए, दो साइड ले लो, हम कह रहे हैं कि हम ले रहे हैं बीसी प्लस हम कर रहे हैं सीडी, तो बीसी प्लस सीडी जो है बड़ा होगा किससे, बीडी से, ठीक है। बीसी प्लस सीडी जो है वो बड़ा होगा किससे, बीडी से। तो ये बात हमारे सामने प्रॉपरली क्लियर हो गई, ठीक है, कंफर्म। तो हमारे पास इस तरह से जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ, राइट। मतलब समझ में आ गया आपको, मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं आपके सामने। तो स्टेटमेंट क्या है, ये हमारे पास कि द सम ऑफ थ्योरम जो है आपका, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड समझ आ गया ना। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, थर्ड साइड से हमेशा बड़ी होती है। तो ये तीनों जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं, सिंपल सी बात है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है आने वाले आपके आगे की क्लासेस में, आपको ये जो है कंपटीशन क्लास में काम आएगा। आपको पता नहीं क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन यानी कि आपके 12वीं के बाद आने वाले जो एग्जाम होते हैं कंपटीशन वाले नौकरी के लिए, उसमें भी आपको ये काम आता है। तो बच्चे दोबारा पढ़ते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अगर ध्यान से पढ़ो इसको तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल की दो साइड का अगर हम सम करें तो वो हमेशा बड़ी होगी तीसरी साइड से, ठीक है, तीसरी साइड से हमेशा वो बड़ी होगी, राइट। तो आपको समझ में आ गया, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।